रिस्पेक्ट है पावरफुल पोजीशन में हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा घातक हो जाएगा सर इस इसमें मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये जो बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे थे कि तीन गलतियां जो स्टूडेंट लाइफ में नहीं करनी चाहिए मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है पहली गलती अपना प्रश्न किसी और का बता के नहीं पूछना चाहिए <laughs> <laughs> यदि यदि आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं चाह रहे हैं तो अपने सीने पर रख के बोलिए कि मेरा सवाल है <laughs> यानी कि छिप छिप के बंदूक क्यों चलानी है खुल के चलाई ऐसा क्या है मेरा ख्याल है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो इंसान है रोबोट नहीं है मशीन नहीं है इतना पढ़ना है रात दिन पढ़ना है वो सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ आठ घंटे पढ़ो आठ घंटे सो आठ घंटे मौज मस्ती करो तो आई बन जाओगे इससे ज़्यादा मत पढ़ो दूसरा केवल किताबें मत पढ़ो जिंदगी को भी पढ़ो दोस्तों को भी पढ़ो आसपास के समाज को भी पढ़ो सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो दिन में एक घंटा अपने दोस्तों से गप्पे ज़रूर मारो किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया वरना बिचिंग करो कुछ भी करो पर बातचीत करो ताकि बात करने का शौर भी सीखो सोशल स्किल्स भी सीखो और ये जिंदगी जीनी है आई बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ इट शुड नॉट बी लाइफ और मुझे एक अमेरिकन प्रेगमेटिक फिलोसफर ट्वेंटिय सेंचुरी के हैं एजुकेशन बड़ा अच्छा काम के जॉन डी वी शायद आपने सुना होगा सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ इट इज़ लाइफ इसको समझ लीजिए कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है शिक्षा ही जीवन है जिंदगी भर जिससे सीखने को मिले सीखते रहिए रिक्शा वाला भी कुछ ना कुछ सिखा देगा कोई भी सिखा देगा बस नज़र खुली रखिए सीखते रहिए एक बेहतर इंसान बनने का मौका हमेशा हमारे पास होता है कभी रुकता नहीं है थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम